नमस्कार। आज हिंदी दिवस है और साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपके पास हिंदुस्तानी भाषा और साहित्य से जुड़ी हुई एक अनोखी पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ, जिसके रचनाकार हैं गारसॉन द तासी। 1850 और 1860 के बीच में गारसॉन द तासी ने जो व्याख्यान हिंदुस्तानी भाषा को लेकर दिए थे, यह पुस्तक उनका संकलन है, जिसका शोध मूल और फ्रेंच से अनुवाद किशोर गौरव ने किया है। किशोर गौरव एक प्रख्यात शोधकर्ता और अनुवादक हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने अध्ययन किया, शोध किया, और फ्रेंच से हिंदी और अंग्रेजी में बहुत सारे अनुवाद वह कर चुके हैं। कई अंग्रेजी पुस्तकों का, फ्रेंच की पुस्तकों का और हिंदी पुस्तकों को वे दोनों भाषाओं, तीनों भाषाओं में एक तरह से कहें तो एक दूसरे के पाठकों को उन पुस्तकों से अवगत करा चुके हैं। फिलहाल हम हिंदुस्तानी भाषा और साहित्य की बात करें। गारसॉन द तासी का नाम उर्दू और हिंदी के जानकारों को कोई नया नाम नहीं है। वे पहले इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं पर एक अनोखी दृष्टि डाली। यह पुस्तक उनके 9 व्याख्यानों का संकलन है, जो उन्होंने 3 दिसंबर 1850, 4 दिसंबर 1851, 5 दिसंबर 1852, 29 नवंबर 1853, 4 दिसंबर 1854, 2 दिसंबर 1855, 4 दिसंबर 1856, 10 दिसंबर 1857 और 3 मई 1859 को उन्होंने दिया था। इसके अलावा एक और अध्याय इसमें है, जिसमें उन्होंने भारत में महिला कवि कवयित्रियों की बात की है। गारसॉन द तासी का जीवन भारत में, वे 20 जनवरी 1794 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में फ्रांस में पैदा हुए। भारतीयों के लिए उनका नाम नया नहीं है और वे अरबी भाषा, फ्रेंच भाषा को जानते हुए भारत पहुँचे थे। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौर में बहुत सारा काम किया और अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हिंदी भाषा के बारे में ऐसी बातें बताई, वह इतिहास लिखा हिंदी और हिंदुस्तानी का, जो अब से पहले नहीं जाना गया था। उन्होंने इस पुस्तक, अपने व्याख्यान की एक प्रस्तावना उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा और साहित्य के नाम से लिखी थी। जब उन्होंने व्याख्यान शुरू किया 1850 से लेकर 1870 तक, तो वे जिस कक्षा में पढ़ाने जाते थे वहाँ व्याख्यान दिया करते थे। पहला व्याख्यान जब उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तानी है वह भारत के सभी प्रांतों में बोली जाती है, यहाँ तक कि बंगाल, मद्रास जिसका अब नाम चेन्नई है, बम्बई जिसे अब हम मुंबई कहते हैं, उन प्रांतों में भी यह दूसरी भाषाओं के साथ बोली जाती है। उनका कहना है कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी लाहौर और नेपाल के भी बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती है। उनका यह भी कहना था कि भारतीय फौजों के माध्यम से हिंदुस्तानी भाषा पूरी दुनिया में गई और उसने कला और भूगोल का बैरियर, जिसको उन्होंने कहा है, मतलब कला और भूगोल की सीमा को का अतिक्रमण कर दिया था। भारतीय सेना और सेनानियों के माध्यम से जो विश्व युद्ध के दौर में या ब्रिटिश उपनिवेश के दौर में पूरी दुनिया में गए, या जो गिरमिटिया मजदूरों के माध्यम से दूसरी जगहों पर गए, उन्होंने उस सीमा को तोड़ दिया जो भाषा को अवरुद्ध करती थी। यह उर्दू, फारसी और हिंदी का मिला जुला रूप था। उनका कहना था कि हिंदुस्तानी की 2 शाखाएं हैं, वो ये भी बोलते हैं, एक शाखा है जो हिंदू शाखा है और मुस्लिम शाखा है। हिंदू शाखा को वह कहते हैं कि यह हिंदी है और मुस्लिम शाखा को वह कहते हैं कि फारसी साहित्य है। उर्दू और दक्षिणी में फारसी साहित्य और हिंदी भाषा में संस्कृत निष्ठ हिंदी। उनका यह भी कहना था कि भारत में संस्कृत जो है वह कभी भी
आम आदमियों की भाषा नहीं थी। संस्कृत हमेशा अभिजात्य वर्ग की भाषा थी, पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी नाम पर, वो अपने तीसरे व्याख्यान में कहते हैं कि यह एक समस्याप्रद भाषा है। वह कहते हैं कि यह हिंदुस्तानी भाषा हिंदुस्तान की भाषा जरूर है, लेकिन इसकी कोई वास्तविक सरहद नहीं है, और सिपाहियों और मुसलमानों के चलते यह फारस, तिब्बत और असम के अलावा बाकी पूरे एशियाई और यूरोपीय महाद्वीप तक भी पहुंची है। हिंदुस्तानी साहित्य को लेकर वो चौथे व्याख्यान में कहते हैं कि यह बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा के तौर पर इसका इस्तेमाल यूरोपीय महाद्वीप के समान विशाल है, और इसकी आबादी उस जमाने में वो बताते हैं कि 16 करोड़ हो चुकी है, और इसका साहित्य लगातार बढ़ रहा है। जब लिथोग्राफिक छापेखाने हुआ करते थे उस जमाने में, आगरा में 7, दिल्ली में 6, मेरठ में 2, लाहौर में 2, बनारस में 7, इन जगहों पे 31 हिंदुस्तानी अखबार निकलते थे। मुझे लगता है कि उस दौर में जो कहानियाँ लिखी गई फारसी में, उर्दू में, हिंदी में, खड़ी बोली में, उस दौरान जो आंदोलन हुए उसके बारे में भी अलग ढंग से गारसा अपनी बात रखते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी दिवस पर हमें हिंदी के इतिहास, हिंदुस्तानी के इतिहास, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, उर्दू हिंदी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, इन विवादों में पढ़ने की जगह भाषा के क्रमिक विकास, त्वरित विकास और सहज विकास प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। हिंदी आज बाजार की भाषा इसलिए है क्योंकि हमारे उपभोक्ताओं में क्रय शक्ति यानी खरीद करने की शक्ति बढ़ी है। अगर हम हिंदी को व्याकरणिक अलंकार, श्रृंगार और शब्दकोशों के सहारे छोड़ेंगे तो हिंदी को अवरुद्ध करेंगे। गारसा की बात भी ऐसी ही है। उन्होंने कई आखिर में महिला कवयित्रियों की बात की है, प्रेमी अपनी प्रेयसी की भी बात की है, और उस दौरान जो कुछ भी लिखा गया उसको भी लिखा है। उन्होंने दुल्हन बेगम जो अवध के नवाब की पत्नी थी उनके कुछ पदों का अनुवाद किया है, जिसमें एक लिखा है, मैं दुनिया के बाग का गहना हूँ लेकिन ट्यूलिप फूल की तरह मैं अपने सीने में एक जख्म छुपाए हूँ जिसके दाग गहरे हैं। इसी तरह से खून और पानी भराया मेरी आँखों में जहाँ से वह अपार आंसुओं में बहता है। गन्ना बेगम, उनके बारे में भी, किसी दिलकश नज़र के जाम में अपने दिल को डुबोकर मैं भटकती हूँ खुद से बेगानी जैसे कोई शराबी। 18वीं सदी से आज हम 21वीं सदी में हैं। हमें अपनी भाषा को किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता की बजाय सहजता से बढ़ने देना चाहिए, और तभी भाषा समृद्ध होगी, हिंदी समृद्ध होगी। हिंदी की शुभकामनाओं के साथ मैं इस बात का आग्रह करता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तानी भाषा और साहित्य को समझना चाहते हैं तो गारसन दत्तासी की इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। इसका प्रकाशन वाणी पेपरबैक्स ने किया है और इसका मूल्य 295 रुपये है, पृष्ठ संख्या है 214। उम्मीद है साहित्य तक की यह कड़ी आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। आपके सुझाव हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने की दिशा में मदद करते हैं। उम्मीद है पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे इस प्रयास को आपका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।